गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एंड आज जो हमारे पास पेपर है वो NSTSE नेशनल सर्च और टैलेंट एग्जामिनेशन का है फॉर क्लास 5। आज हम जो इसमें क्वेश्चन लेंगे वो जनरल साइंस के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 से जो जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो पहला 46 लेंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द गिवन बॉक्स एंड आइडेंटिफाई द एनिमल एक्स। एनिमल एक्स ईट्स प्लांट्स पार्ट्स, इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विथ इज मिल्क। तो फॉक्स जो है प्लांट पार्ट तो नहीं खाती है, वो ज़्यादातर मीट खाती है। गोट एक ऑप्शन हो सकता है, कैट जो है कभी प्लांट नहीं खाता, डॉग प्लांट नहीं खाता, तो गोट इज द करेक्ट ऑप्शन। 47 स्टडी द गिवन कॉन्सेप्ट मैप। सो एक्स के बारे में पूछ रहे हैं, जो है अपना फूड बनाता है। क्या फूड अपने बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो ये खास बात है फर्न की, कि जो वह फर्न जो है रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स से। मशरूम अपना खाना नहीं बना पाता, ईस्ट ये ऐसा अपने नहीं बना पाते, तो फोन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 द गिवन सीड्स गेट्स डिस्पर्स बाय। तो एक सीड के ऊपर में आपने देखा होगा कि चारों तरफ एक पतली सी जाली सी जैसी बनी रहती है, पंख जैसा रहता है ये, तो ये है बहुत हल्का बना देता है उसको सीड को, और एक अच्छी शेप दे देता है जिससे उसका एरिया बढ़ जाता है। वो विंड में के कॉन्टेक्ट में आते ही उड़ने लगता है, तो ये एक डिस्पर्शन बाय विंड वाला है। ये सीड जो है इसका डिस्पर्शन होता है विंड के थ्रू। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट्स के ऊपर में आपने देखा होगा जो सीड्स के ऊपर एक कवर जैसा रहता है, उसको बोलते हैं कॉटिलीडॉन्स। तो ये कॉटिलीडॉन्स जो है उसको प्रोटेक्ट करता है बेबी प्लांट को। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन्वॉल्व द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। तो कंज्यूमर जो होता है मोस्टली प्लांट या जो ग्रास है वो कंज्यूमर, सॉरी ये प्रोड्यूसर हुए और कंज्यूमर जो उनको खाते हैं, तो इसमें कौन है? फ्रॉग तो नहीं खाता उनको, स्नेक भी नहीं खाता प्लांट्स को, ईगल भी नहीं खाता है, तो ग्रास ऑपर जो है वो ग्रास को खाता है, तो वो हुआ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, और ग्रास जो है वो भी प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे ब्रेन तो है ही है, स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व्स को लेके जाती है पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक। ह्यूमरस जो है ये एक वो क्या बोलते हैं उसको, ये एक वो है आपका बोन है जो अपर आर्म की है। नर्व्स जो है वो तो सिग्नल्स को कन्वे करती। जो ह्यूमरस जो है करेक्ट आंसर है, ये जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट इज शोन इन द गिवन फिगर। एक केटली में कुछ जो है कुछ पानी गर्म हो रहा है, जो वेपर बन रही है वो एक कूल वाटर है उसके ऊपर जा रही है, और जो है वेपर जैसे उसके कॉन्टेक्ट में आती है वो कूलिंग होकर पानी बन जा रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई फ्रीजिंग तो नहीं हो रहा, कंडेंसेशन हो रहा है। एवोपरेशन तो हो रहा है बट फाइनल जो एक्शन हो रहा है वो कंडेंसेशन का है। द गिवन फिगर शोज ए फिश। क्वेश्चन नंबर 53 हाउ डज द स्ट्रक्चर लेबल्ड पी। तो लेबल पी जो दिया है वो उसको आप गिल की जो बॉडी पार्ट होता है गिल फिश का, वो गिल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये इसको ब्रीथ करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द लीफ इज शोन इन द गिवन फिगर। एक लीफ जो है वो सनलाइट के एक्सपोज हो रही है, तो ऑक्सीजन बाहर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, और वाटर जो लीव में जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 विच पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट कंटेन्स स्टोर फूड। हमको पता ही है कि जो आपकी जो पोटैटो जो बनता है स्टेम में बनता है, ऑल्दो वो अंदर अर्थ के अंदर होता है और रूट जैसा कंसिडर होता है, बट वो बेसिकली स्टेम है वो प्लांट का, तो पोटैटो जो है एक स्टेम है प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 56 व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स डू एक्स एंड वाई इन द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल रिप्रेजेंट। ये जॉइंट होते हैं बॉडी में बहुत सारे बोन्स के, जैसे एल्बो एंड हिंज जॉइंट, बॉल चक्कर जॉइंट, पिवट जॉइंट। तो एल्बो और नी में जो होता है हिंज जॉइंट होता है, और शोल्डर और पेल्विस में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ लाइफ साइकिल इन अ प्लांट। तो प्लांट में क्या होता है, पहले आपको सीड आप उसको लगाएंगे, उसकी सीडलिंग होगी, सैपलिंग होगी, फिर वो प्लांट बन जाएगा। तो ये जो है लाइफ साइकिल जो प्लांट का है, ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ दीज सिंपल मशीन इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल। तो
तो ये पुली के थ्रू हम लोग वाटर वेल्स के थ्रू पानी निकालते हैं, तो ये एक मशीन है जो इसमें वाटर वेल में यूज़ होती है। वेज और इंक्लाइंड पेंट्स लीवर जो है ये दूसरे एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, बट वेल के अंदर यूज़ नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू बॉडी होल्स। तो ग्रास हॉपर जो है वो स्पेरिकल्स होते हैं, इसमें उसके थ्रू बॉडी होल्स को स्पेरिकल्स बोलते हैं, वो जो है उसके थ्रू ब्रीथ करता है। बाकी फिश जो गिल्स होती है, रैट और नोज से करता है, लिजर्ड भी नोज से करती है। एंड आइस पैक इज़ अप्लाइड इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग। नोज जब ब्लीड होती है तो उसमें आइस पैक लगाने से उसकी वो रुक जाती है। व्हाट इज़ ए लीवर? लीवर क्या होता है? एक इंक्लाइंड पेंट, इंक्लाइंड पेन होता है, वो नहीं हो सकता। व्हील विथ ग्रूव्स, पुली होती बेसिकली, एंड एक्सल एंड व्हील जो होता है वो भी लीवर नहीं होता है। बार होती है, एक सिंपल एक बार होती है विच कैन टर्न अबाउट ए फिक्स पॉइंट। उसको आप एक किसी फिक्स पॉइंट में लगा दीजिए और उसको अच्छा अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आपको जैसे पता ही H2O फार्मूला होता है, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन डी लगता है ठीक है कि ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी टाइम्स आर लीवर्स आर देयर। हम लोग को पता ही है कि जो हमारा जो है ये 3 टाइप्स का लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, आई प्रोटेक्ट द ब्रेन, आई मेड अप ऑफ बोन्स विच आर फ्यूज फॉर्मली टुगेदर टू फॉर्म ए शेल, टू फॉर्म ए शेल और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट एम आई। तो ये जो हमारा ब्रेन जो है स्कल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड शुड कंज्यूम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी जो होती है बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक ऑरेंज या आप जैसा कि बोलते हैं कि आंवला टाइप जो फ्रूट होता है उससे आपको विटामिन सी मिलता है। बाकी डी तो पोटैटो है, ए जो ब्रेड है, और सी ऑप्शन जो चिकन है, इनसे प्रोटीन, इनसे चिकन से प्रोटीन मिलता है, ए एंड डी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आइडेंटिफाई द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है कंट्रोलिंग सेंटर होता है। 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड ईटिंग हैबिट्स। गुड ईटिंग हैबिट है ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर फूड, करेक्ट है। ईटिंग टू मच स्वीट्स, नहीं करेक्ट नहीं है। ईटिंग फ्रेश फूड्स विथ वेज एंड वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, तो ओनली ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मून हैज़ इज ओन लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होता, सन की लाइट से वो चमकता है। द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, सो जो उसकी लाइट आती है सन की, उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको वो चमकता दिखता है। क्वेश्चन नंबर 69, द फिगर शोज द पेयर ऑफ सीजर। सो सीजर जो है कि बेसिकली लीवर का मैकेनिज्म है ये। इसमें आपको बताया जा रहा है कि विच लेवल पार्ट्स रिप्रेजेंट द फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड। तो लोड जो है, जो एम है वही एक लोड है, और के जो है जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, और फुलक्रम जो है एल है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा याद रखिए, जहाँ पे भी आपको कुछ जो बेनिफिट मिल रहा है या कुछ काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं लोड, और जहाँ पे आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं या जहाँ पे अपनी अपनी फोर्स लगा रहे हैं उसको एफर्ट बोलते हैं, और जहाँ पे वो फिक्स है उसको बोलते हैं फुलक्रम। क्वेश्चन नंबर 70, आई अंडरगो पीरियडिक चेंजेस। पीरियडिक चेंजेस मतलब रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं रेगुलर इंटरवल में। आई एम द वन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइड। टाइड जो सी में टाइड्स होते हैं, वेव्स के थ्रू जो सी वाटर अप एंड डाउन होता है, रात को अप होता है एंड दिन में नीचे चला जाता है उसका लेवल। आई एम द किंग ऑफ द नाइट बट आई बैग लाइट फ्रॉम द सन, हु एम आई। तो जो नाइट में सबसे बड़ा किंग कौन रहता है? स्काई में जो है मून रहता है जो जब सबसे ज़्यादा चमकता है, बट उसकी वो अपनी खुद की लाइट नहीं रहती, वो सन से लेता है। तो ये एक सन और मून के बारे में बताया जा रहा है। विच ऑफ दिस 71, विच ऑफ दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन को पता ही है, और नाइट्रोजन बहुत चाहिए रहती है प्लांट्स को। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 72, विच टाइप ऑफ रॉक इज प्यूमिस। तो इग्नीशियस रॉक होती है, ये तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 73, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स इन वाटर। जो ऑब्जेक्ट को डुबो दी गई है वाटर में, पहले वाले बीकर में दिया है वॉल्यूम 20, और जब उसको डुबो दिया गया तो 30 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 ml जो है उसका वॉल्यूम आएगा।
क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज मेड फ्रॉम माइक्रा क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार। तो ये जो है ग्रेनाइट से बनी रहती थी ना, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द मून एंड डिस्टेंट स्टार, हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी यूज टू सेपरेट इजी बाई यूजिंग ए मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमको पता है, आयरन को खींचती है, तो आयरन डस्ट और सैंड को आप सेपरेट कर सकते हैं इस मैग्नेट से। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ दीज बेनिफिट्स डज द प्लांट गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल जो है सीड्स अपने साथ ले जाते हैं अपनी बॉडी में चिपका के, या किसी और दूसरे तरीके से वो उसको डिस्पर्स करते हैं सीड्स को, और अदर ऑप्शन तो कुछ इसमें दिख नहीं रहे जो बेनिफिट है एनिमल्स थ्रू प्लांट को, बट बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 78, विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल मैटर इन ए वाटर इज कॉल्ड। सो सेडिमेंटेशन, जब जो चीज़ सॉल्युबल नहीं होती वाटर में नीचे बैठ जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 79, सम एनिमल्स लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप्स, दिस हेल्प देम टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन वाटर। जो स्ट्रीमलाइन उनकी बॉडी शेप होती है, स्मूथ कर्व्स जिसमें होते हैं, सो उनको फ्रिक्शन नहीं लगता ज़्यादा वाटर में, और स्विमिंग करने में इजीली होता है उनको। क्वेश्चन नंबर 80, सब्सटेंस पी डज नॉट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इट ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ द कंटेनर, जो जिस भी कंटेनर में इसको रखा जाता है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, और इट जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। व्हाट इज पी, तो सॉलिड का तो फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स ही होता है ऑलमोस्ट, बट ये कंटेनर का शेप ले लेता है बट पूरा शेप नहीं लेता है। फ्लूड जो है लिक्विड के बारे में बात हो रही है, तो गैस जो है पूरा स्पेस ले लेता है कंटेनर का, और इसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज पॉसिबल विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट से हम क्या करना चाहते हैं, वाटर वेपर को आइस में नहीं बदल सकते, तो आइस को वाटर में बदल सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द फेज ऑफ मून ड्यूरिंग विच एन इक्लिप्स ऑफ द सन अक्यूर्स। तो हमेशा जब न्यू मून होता है तभी जो है इक्लिप्स होता है सन का। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन वी पंप एयर इनटू द स्विमिंग फ्लोट इट इन्फ्लेट्स, व्हाट वी कैन से अबाउट एयर फ्रॉम दिस। जब भी हमने एक स्विमिंग फ्लोट होता है, जैसे मतलब आपका जैसे रबड़ का टायर कुछ होता है जिसको आप स्विमिंग करने में यूज़ करते हैं, तो आप जैसे उसको एयर से भरते हैं तो वो उसकी स्पेस ले लेता है, तो इसका मतलब है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। द चेंजिंग ऑफ द शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड फेज। मून की बहुत सारी जैसे बताएं 14 कलाएँ होती है, ऐसे ही फेज होती है मून की। विच गैस इन द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई पार्ट ए, तो हमको पता ही है नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर होती है, दैट इज 78%। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द टॉप सॉइल इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉइल कंटेन मैनी लिविंग थिंग्स, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक ही है। सॉइल इरोजन इज गुड फॉर फर्टाइल सॉइल, सॉइल इरोजन जो है कभी भी गुड नहीं होता है, ऑप्शन सी इज द रॉन्ग इज द इनकरेक्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन आर यूज, ऑक्सीजन किस किस में यूज होती है, बर्निंग में यूज होती है, रेस्पिरेशन में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होती है, तो 1 and 2 इज ऑप्शन करेक्ट। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज, गोइटर जो गले में होती है आपकी आयोडीन की कमी से हो जाती है, वो होती है आपकी डेफिशिएंसी डिजीज। 89, विच ऑफ दीज इज आर ए फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो हम नॉर्मली अर्थ से जो निकालते हैं, तो कोल भी निकलता है, नेचुरल गैस और केरोसिन ऑल, ये सब जो फॉसिल से बने हुए होते हैं, जो पुराने काल टाइम में जो प्लांट्स और एनिमल्स के जमीन में दब के प्रेशर के अंडर में दब के जो है ये सब फ्यूल में कन्वर्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है। ये बैलेंस डाइट जो होते हैं, ऑप्शन डी इज द ऑप्शन इज द दैट ए डाइट दैट कंटेन ऑल क्लासेस ऑफ फूड इन करेक्ट क्वांटिटी, सब तरह का फूड होना चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स होना चाहिए, उससे एनर्जी भी मिलनी चाहिए और बहुत सारे मिनरल्स जैसे मिलने चाहिए, और करेक्ट क्वांटिटी भी होनी चाहिए, तभी इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो इससे हमारा आज 90 क्वेश्चन तक हो गया, 46 से 90 क्वेश्चन तक, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।